ये सवाल मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट पता है, बिकॉज जब मैं अतुल के साथ बालीगंज कर रहा था तो ऑब्वियसली ही वॉज राइटिंग द प्ले एंड ही वॉज शेयरिंग द स्टोरी विद मी, सो आई नो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड अतुल बहुत अच्छा लिखते हैं एंड आई थिंक अतुल के पास एक जिसे कहते हैं ना एक आर्ट है कि वो एक प्ले को एंटरटेनिंग बनाने के साथ साथ एक मैसेज ओरिएंटेड प्ले भी बनाते हैं हमेशा. सो वही पजामा पार्टी में भी एक कॉन्सेप्ट जिस तरह का है और आई एम श्योर प्ले इज़ गोइंग टू वर्क रियली वेल. लोगों को शायद ऐसा लगता है कि पजामा पार्टी मतलब कोई एक फन प्ले है, ये है बहुत, देर इज़ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इन द प्ले, बट एट द सेम टाइम द मैसेज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर एंड हार्ड हिटिंग. इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी, द स्क्रिप्ट इज़ वेरी कंटेम्प्रेरी. आई एम श्योर द ऑडियंस इज़ गोइंग टू रिलेट टू द स्क्रिप्ट वेरी वेल. मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसा लगेगा कि ये आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों है. इट इज़ वेरी मच अप टू डेट विद द प्रेजेंट सिचुएशन वी हैव इन आवर सोसाइटी एंड आई एम श्योर द प्ले इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड. मैं प्ले करता हूँ यार अभी इसी डायरेक्टर के और राइटर के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ जो मेरा ऑलरेडी शो चल रहा है बालीगंज. सो मैं जब भी मौका मिलता है प्ले, एक तो नया हो ही जाता है 3-4 साल में और एक प्लो कि जब ओपन होता है तो वो 2-3 साल तक उसके रन शोज चलते ही हैं. सो अभी हमने थोड़े दिन पहले इसी महीने में हमने 2 शोज़ किए दिल्ली में. सो प्ले मेरी आइटनरी में हिस्सा रहता ही है हमेशा. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है.